आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर पहुंचे। बता दें कि नरेंद्र नगर की ऊंची शिखर पर समुद्र तल से 6,300 फीट की ऊंचाई पर कुंजापुरी मंदिर मौजूद है। इस मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि ये वहां पर मां कुंजापुरी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मां कुंजापुरी की मन्नतें मांगने के साथ यहां प्रार्थना की है कि मां प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे, जो प्रदेश के विकास और सबकी उन्नति के बारे में सोचे, प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि हो। उनके साथ देहरादून के मेयर सुनील गामा तथा नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत भी मौजूद रहे। माँ कुंजा के दर्शन के लिए आया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया था और माँ कुंजा से यही प्रार्थना की है कि माँ इस राज्य को अच्छा नेतृत्व दो, अच्छा जो राज्य के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में सोचें, सब लोगों के बारे में सोचें, ऐसी माँ कुंजा से प्रार्थना की है। पूरी से हम लोग यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो है माँ का आशीर्वाद जो है हमेशा जो है हम पर बने रहे, हमारी पूरी विधानसभा पर जो है बनी रहे। और आपको मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जनता के आदमी हैं। मेरे साथ पूरी, मैं जनता पार्टी का आदमी हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी लिखना है तो मेरे को टिकट दो, नहीं तो जनता पार्टी तो जिंदाबाद है ही है। पूरा जो है मैदान जो है सजा हुआ है, पूरी हमारी सेनाएँ बिल्कुल तैनात हैं। बस अब चुनाव का जो है ये निर्वाचन आयोग जो है बिगुल जो है जिस दिन बजा देगा, हमारे रणबांकुरे जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथों को जो है मजबूत करते हुए जो है सफलता की ओर आगे बढ़े। खबर सिडकुल हरिद्वार से है, जहां देर शाम को सिडकुल रोशनबाद स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरते जाने पर जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव आफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनाबाद के ग्रामीण आदिल को मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाए जाने के बाद मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर नदारद मिलने पर राव आफाक ने अस्पताल पहुंचकर हालत देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलवाया। राव आफाक ने मेट्रो हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही है लेकिन शराब के नशे में होने के कारण यहां हमारे सामने मरीज को देखने नहीं आ रहे हैं। आदिल रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गाँव का, वो परसों यहाँ आए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आए डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया वहाँ, आपका डॉक्टर आ गया, कहाँ लिया हो? आज तो सोमवार है, आज इसको अब ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए, आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ इसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं, डॉक्टर यही है कहीं। और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम दो घंटे से यहाँ बैठे हैं, हमने सिडकुल इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है भाई, वेंटिलेटर पे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अभी दूसरी एम्बुलेंस ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा कर हमने जो है वो मंगाया और लगाया, नहीं तो अब तक मरीज जो है वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। हरिद्वार से ज्वालापुर विधानसभा से दलीप कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दलीप कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वह लगातार अपने समर्थकों से संपर्क साध रहे हैं और उनसे गुणा भाग करने में लगे हैं। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्वालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं तो इसका सीधा सीधा सभी प्रत्याशी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वह काफी समय से जनता की सेवा में कार्य करते रहे हैं और ज्वालपुर विधानसभा की जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े हैं। ज्वालपुर विधानसभा जिसमें लगभग 68 गाँव आते हैं और उसमें पूरे विधानसभा में जो प्रमुख है हमारी पंचपुरी जिसमें लगभग 5 गांव हैं और 5 गांव में 17,000 वोट
इतना बड़ा वोट बैंक है हमारे यहाँ, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल यहाँ आते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। इधर इतने बड़े वोट बैंक का आज तक कोई भला नहीं हो पाया। तो जो हमारे पंचपुर के लोग हैं बहुत रोष है उनमें, बहुत गुस्सा भी है, और उनकी इच्छा है कि यहीं का जन्मा व्यक्ति, यहीं का जन्मा सत्ता जलापुर विधानसभा के अंदर गढ़मीरपुर या अन्य किसी भी गांव का जन्मा हुआ व्यक्ति इस विधानसभा में विधायक पद का चुनाव लड़ने के लिए आए और उसको हम जिताए। तो काफ़ी लोग हमारे पास पूरी पंचपुरी से आए हैं, हर समाज के लोग आए हैं, वो चाहते हैं कि हम विधानसभा में इस बार विधायक का चुनाव लड़े और अपने गांव और पूरी सत्ता जलापुर में जितने भी गांव आते हैं उनमें काम करें। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही 41 संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिनसे शांति भंग होने की आशंका है। उपजिलाधिकारी मसूरी नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें 41 संवेदनशील बूथ है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अंतिम रूप दे दिया गया है और मसूरी और गड़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन बूथों की जानकारी देने के लिए भेजा गया है। निर्वाचन को लेकर जो हमारी तैयारी है उसके बारे में आपको बता दूं, जो मसूरी विधानसभा है इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ, और अगर वोटर्स देखें तो 130,677 वोटर हैं जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने BLO से वोटर लिस्ट से देख लें, और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है, हम काफ़ी लोगों को BLO को हमने भेजा भी है, तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर लें, अगर नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक नाम शामिल करने का नियम है और उस नॉमिनेशन का लास्ट दिन हमारा 28 जनवरी है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें 10 दिन लगते हैं तो हम पहले ही 10 डेज पहले तक फॉर्म लेना बंद कर दें, फॉर्म 18 जनवरी तक लेंगे। तो ये तो है वोटरों की स्थिति। सितारगंज में कोरोना आक्रमण के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। सितारगंज में 59 लोग कोरोना संक्रमित निकले। प्रशासन ने कोरोना SOP का पालन कराने के लिए लोगों के चालान किए। बढ़ते कोरोना की तीसरी लहर के बीच नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। सितारगंज पुलिस ने बिना मास्टर आने वाले लोगों के चालान किए और लोगों को सख्त हिदायत दी। इसके बाद पुलिस ने शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजारों, रिक्शा, बस, टेम्पो स्टैंड में लोगों को मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के पालन करने के अभियान चलाया। हमारे के उसमें जो दोबारा संक्रमण फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और निलंबित करने वालों का चालान भी किया जा रहा है। इसमें चालान कर रहे हैं, अभियान चलाया जा रहा है हमारे पास टाइम साहब, उसमें चालान कर रहे हैं हम लोग, लोगों को बता भी रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, तो लोग काफ़ी मास्क पहन कर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, फिर भी कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम उन लोगों का प्रॉपर तरीके से चालान कर रहे हैं। अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की लगातार मिल रही शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कार्रवाई करते हुए दो डंपर जिनमें ओवरलोड खनन सामग्री भरी हुई थी को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने बताया चेकिंग अभियान जारी रहेगा, कोसी नदी में किसी भी कीमत पर अवैध खनन और ओवरलोड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवरलोड खनन वाहनों पर हो रही कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रुड़की में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि रुड़की इमली रोड पर नूर मंजिल के सामने एक बिजली का खंभा जड़ से बिल्कुल खोखरा हो चुका है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों ने कई बार बिजली विद्युत विभाग से शिकायत भी की है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। स्थानीय निवासियों का कहना है इस बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
खंबे की तो बिल्कुल पोल अपना बिल्कुल ही जड़ लग गया है और बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि कुछ ही सेकेंड और मिनटों की हवा चले ना तो ये गिर सकता है। और विद्युत विभाग की इतनी लापरवाही है कि इसको एक बार भी आके यहाँ चेक नहीं किया गया और कई बार यहाँ शिकायत भी हो चुकी लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। जरा सी देर में हवा चलता है, इधर भी घर है, मस्जिद है, इधर इधर अपना घर बना हुआ है, इधर घर बना हुआ है, जरा सी देर में अगर गिर गया तो ये एक घर का नुकसान तो होगा और इतनी बड़ी घटना होगी कि शायद इसके नीचे जो भी आ जाए और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है कि मर भी सकते हैं और ये बहुत बड़ी घटना होने की बिल्कुल आशंका हो चुकी है। बिल्कुल आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क है। चुनाव में जनता को लुभाने के लिए भारी मात्रा में कच्ची शराब की धरपकड़ के लिए लालकुआ कोतवाली पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए एक शराब तस्कर को बिना नंबर प्लेट के ऑल्टो कार में ले जाते हुए 125 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक बलवंत कम्बोज ने पूरे मामले की जानकारी दी है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज पुलिस टीम द्वारा SI दीपक कृष्ण को उसके अमराई कांस्टेबल द्वारा आज एक अभियुक्त को मैं अल्टो कार के तहत 125 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और माननीय न्यायालय में रिमांड प्राप्त किया जाएगा। अवैध रेत परिवहन करने पर थाना तल पुलिस ने 3 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। वही 3 चालकों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थल क्षेत्र में अवैध खनन व खनन सामग्री परिवहन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध थल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थल पिथरौलागढ़ के मार्ग से थानाध्यक्ष थाना हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात को 3 डंफरों के चिड़ियाखान के पास से जब्त किया है। आज इसमें कहना चाहूँगा कि एक जानकारी के मुताबिक कमतौली में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खनन की चोरी की जा रही थी, जिसमें चेकिंग के दौरान 3 टिप्परों को वहां पर पकड़ा गया और उसके पश्चात उन्हें सीज की कार्रवाई की गई और भविष्य में भी छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी में घने कोहरे से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक और घने कोहरे ने लोगों के घरों में रहने को मजबूर कर दिया है, तो वहीं हाईवे पर भी वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। कोहरे का आलम यह रहा कि दिन में भी वाहन लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। सितारगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सितारगंज पुलिस कोतवाली के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत वैरियर में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए की नकदी बरामद की है। चुनाव से पहले पुलिस के हाथ कैश का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी के पास नकदी को लेकर ना तो कोई दस्तावेज मिले हैं ना ही कोई प्रमाण मिला। पुलिस उस मामले की जाँच में जुटी है। मेरे द्वारा सरकरा बैरियर पर पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद मिले, बरामद हुए, जिनके उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपये कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और चटकारीगणों को सूचना। इनका नाम राकेश कुमार चौधरी है और ये बसंत गार्डन किच्छा के रहने वाले। तो यह रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।